अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? खैर खैरियत है? गुड मॉर्निंग जी। आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, 10 से ऊपर हो गया टाइम। मैं तैयार शायर हो गया, मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट करूँ। और ये वही गली है रात को जो दिखाई थी, अब ये देखें इधर क्या हाल है, बिल्कुल सन्नाटा है। और रात को क्या हाल मचा हुआ था। अब मैं जा रहा हूँ जी, वो मॉल जा रहा हूँ, MBK मॉल उसका नाम है। तो उधर जाके मैंने शॉपिंग वगैरह करनी और देखना भी है क्या क्या कैसा मिलता है। उसकी बड़ी तारीफ सुनी हुई है कि वहाँ पे सामान जो अच्छा मिलता है और रीज़नेबल मिलता है। तो भी बस निकल रहा हूँ उस मॉल की से, ये पहले मेट्रो से वहाँ मॉल जाऊँगा इंशाल्लाह। दिन में ये चेक करें, इस तरह दिखता है बैंकॉक। बिल्डिंग्स चेक करें ज़रा, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और ये मेट्रो का स्टेशन आ गया। अब मैं यहाँ से टिकट लेता हूँ उस स्टेशन की जहाँ मैंने जाना है, MBK मॉल पे। फिर पहुँच के साथ दिखाता हूँ आपको। मेट्रो में आके बैठ गया हूँ मैं, 20 मिनट का रास्ता बताया उसने, 20 मिनट इसमें सफ़र करना होगा, फिर जाके MBK मॉल आएगा। मेट्रो खाली है जी, सुबह का टाइम है, इतने लोग नहीं हैं, ना खड़े हैं, सीटें भी तकरीबन नहीं है, देखें खाली हैं सारी। तो अब मेरे ख्याल से मेरे स्टेशन में है थोड़ा टाइम अभी भी। अब जी मेरे साथ एक सीन हो गया, मैंने अपना स्टेशन मिस कर दिया, पिछला स्टेशन था। और किस्मत से मैं आया हूँ उसकी तरफ, गेट की तरफ मैंने देखा MBK सेंटर लिखा है। साथ एक बंदी खड़ी थी, उससे मैंने पूछा कि MBK सेंटर ये सॉरी मॉल ये, उसने कहा हाँ यही है। क्या तो मैं पिछले स्टेशन पे उतरना चाहिए था। तो अब उधर से उस साइड से मैं इस साइड पे आया हूँ, ठीक है, ताकि मैं वापस जाऊँ और MBK वाले स्टेशन पे उतरूँ। मैं ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी थी, सुनना होता है इनका इंग्लिश एक्सेंट, बोलने का स्टाइल, हर चीज़ बड़ा डिफरेंट है हमसे, तो बंदे को समझ ही नहीं आती। और वो स्क्रीन पर लिखे ही नहीं आ रहे थे सारे स्टेशन, एक एक लिखा आ रहा था, तो मैंने गौर नहीं किया। ये जी स्टेशन, यहाँ से वापस जाना है मुझे, तक ट्रेन नहीं आती। ये लोकल व्यू देखें ज़रा, एक तो ये बिल्डिंग बन रही है और ये मेरे ख्याल से लिखा हुआ स्टेक, नीचे कोई रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, अंदर हाँ रेस्टोरेंट ही, टेबल शेबल पड़े हुए, रेस्टोरेंट ही लग रहा है। ये भी रेस्टोरेंट है, ठीक है, ये भी बिल्डिंग शिल्डिंग है, इस तरह दिखता है कुछ बैंकॉक भाई। लो जी आ गई ट्रेन, अपनी ट्रेन आ गई भाई, अब उधर ही मॉल में जाके मिलता हूँ आपसे मैं। अभी भी मैं वहाँ उतरा हूँ, MBK नहीं आया, क्योंकि जाते वक्त ट्रेन पे वो करीब है, आते वक्त जो इस साइड पे है ना उस पे वो एक भी स्टेशन पीछे है। यहाँ की मेट्रो का कुछ समझ नहीं आया क्या सीन पार्ट है। तो अब मैं वॉक करके जा रहा हूँ, पता नहीं और कितना दूर है, एक बंदे ने बताया 1 किलोमीटर। अब ज़्यादा दूर ना हो यार, टाइम वेस्ट हो रहा है उससे, टाइम वेस्ट होना फिर बंदे का दिमाग ख़राब होता है। ये देखें दिन में बैंकॉक बिल्कुल खाली है रात के नस्बत, मगर मतलब खाली नहीं है, मगर रात के नस्बत काफ़ी खाली है। ये भी एक स्ट्रीट MBK, ओके नेक्स्ट स्टेयर्स, थैंक यू। ओए ओए ओए, मतलब ये स्टेशन इससे अगले वाला, यार बड़ी गलती की यार, मुझे सुनना चाहिए था, मुझे समझ नहीं आई यार, मैं गलत कर गया। और अब जाता हूँ आगे, एक स्टेयर्स ये आ गई है, दूसरी स्टेयर्स मतलब ये स्टेशन वाली है, उसके बाद मेरे ख्याल से आ जाएगा। ये भी सामने एक मॉल ही लग रहा है, काफ़ी बड़ा मॉल है। थोड़ा थोड़ा इसकी ना वो अमेरिका दुबई, अमेरिका तो खैर मैं नहीं गया, मैंने मूवी वो मूवीज़ वगैरह इधर उधर उसमें ही देखा है, इस तरह के रोड होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं। और दुबई में भी ऐसा ही है, दुबई में मैं रहा हूँ। हाँ ओ यार यस, MBK आ गया, MBK आ गया भाई, गुड हो गया, शुक्र है यार। कल से हमें बड़े लोगों ने MBK का बताया है, शुक्र MBK आ गया। मैं अपने दोस्तों को भी अभी कॉल करता हूँ, मॉल का इंटरनेट मिल गया तो यूज़ करके ना उन्हें बताता हूँ कि यार MBK स्टेशन पे है, तो आ जाओ, आना है, तो इतना दूर नहीं है घर से हमारा, सॉरी होटल से,
तो बस ये है कि हमें पता नहीं था ना, तो इसलिए हम थोड़ा ख्वार हो गए। खैर आप लोग ने अगर आना हो ये वीडियो देखेंगे, आप लोगों को सब आइडिया हो जाएगा। नेशनल स्टेडियम का स्टेशन लगता है एमबीके को। अब मैंने यहाँ से स्टेज ऊपर चढ़नी है और घूम घुमा के जाके सीधा एमबीके में घुस जाना है मैंने। ये सामने जा रही है, देखें यहाँ से ये उधर अंदर जा रही है। ये जी ये एंटर हो गया मैं एमबीके में। ओपन डेली 10 AM to 10 PM। ओ यार हमने गलती की है यार। मोबाइल अच्छा थैंक यू। यार बड़ा फिट माहौल लग रहा है। ये चाइनीज रेस्टोरेंट है कोई बड़ा सा। ये मेरे ख्याल से फूड कोर्ट है इधर कोई। इस साइड पे तो बहुत बड़ा है भाई, बड़ा अच्छा। जूतों की दुकानें आ गई हैं, मैं चेक करता हूँ जूते वगैरह, और जो मैं ढूँढा मुझे नहीं लगता वो यहाँ मिलेंगे, क्योंकि ये तो हमारे बाटा सर्विस जैसा कोई सीन चल रहा है इनका। ये टिम हॉर्टन्स भी है यहाँ पे भी। ये जी आ गए हैं शॉप्स, काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे। मैंने इंटरनेट कनेक्ट करना है, किसी को पता ही नहीं है किस तरह होता है। अब मैं जा रहा हूँ नीचे डेस्क की तरफ, देखता हूँ वहाँ से पूछता हूँ। ये भी एक शॉप, काफ़ी अच्छे जूते लगे हैं मैं इसके पास से। अब तब के देख रहा था बड़ा। ये भी बैग शेल्स लगे हुए हैं, ठीक है। एक मिनट इस बैग का पूछता हूँ उससे। हाय ब्रदर हाउ आर यू, हाउ मच फॉर दिस बैग? 12,500। हाउ मच? 12,500। इज दिस ओरिजिनल और कॉपी? इज दिस ओरिजिनल और कॉपी? कॉपी, फर्स्ट कॉपी। कॉपी, फर्स्ट कॉपी। हाँ सर दिमाग खराब है, इससे बहुत ज़्यादा सस्ता था कल वो जिधर मॉल पे मैं था ना, वो बहुत ज़्यादा सस्ता था, ये तो महंगा बता रहे थे। एक कॉफ़ी ली है मैंने, तो मैंने कहा थोड़ा पी ही ले, क्योंकि यार पूरे मॉल में फिरना है, थकावट हो जाएगी और टाइम भी शॉर्ट है, जितना जल्दी हो सके कर लूँ सारा काम शाम। अब एक बंदे ने मुझे शॉप बताई आगे, कह रहा है यहाँ पे राइट पे शॉप है जूतों के लिए, तो उधर चेक करता हूँ, लग रहा यार मिल जाए जो जूते मुझे चाहिए। कॉफ़ी मज़े किया, जूते तो मुझे मिल गए थे जी एक जगह, मगर वो बंदा पैसे बहुत ज़्यादा बता रहा है और साइज़ भी नहीं है उसके पास। तो अब ये सीन है कि इसने मुझे कहा है यहाँ पे कि थर्ड फ्लोर पर चेक कर लो। ये है जी थर्ड फ्लोर, यहाँ पे बेल्ट्स वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी कल भी मैंने देखी थी, ब्रांडेड जो कॉपी वाली होती हैं बड़ी अच्छी। जैसे ये बैग्स हैं, ये भी कॉपी हैं सारे, ये भी बैग्स हैं, देखें आप बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। ये जूते हैं जी और साइज़ भी है इसमें 41, मगर ये यहाँ पे काफ़ी महंगे बता रहे हैं। ये एक और शॉप में मैंने देखे हैं, इधर वही पूरा दिन लगना है घूमने फिरने और चेक करने में, बड़े महंगे बता रहे हैं जूते। 3,000 बात का मतलब है कि इसका मतलब है तकरीबन $100। $100 की कौन खरीदता है यार ये जूते? ये फुकट में सस्ते थे, मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, ले लेने चाहिए थे वहाँ से मुझे। मैं समझ रहा था कि बैंकॉक सस्ता है और फुकट महंगा है, मगर फुकट ठीक है, इतना मतलब महंगा नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों में है। ये है जी बेल्ट शॉप, इधर यही सीन है जैसे पाकिस्तान में गए 10-15 शॉप्स घूमो, जिसमें अच्छी चीज़ और सस्ती मिले वहाँ से खरीदो। ये औरतों के कपड़े हैं, ये सूट्स हैं मैन, बड़े प्यारे प्यारे लगे हुए हैं। और ये है जी स्नीकर वाली शॉप, इधर जूते फिट फिट लग रहे हैं और ये स्पेशल ऑफर में लगा हुआ है यार, ये चेक करता हूँ मैं। ये आपका जी कुछ ऐसे लग रहा है थाई ड्रेसिंग में, थाई ऐसे ड्रेसिंग करते हैं। 40 का नहीं शो में, इधर भी मिल गए जी, दिखाता हूँ आप लोगों को।
Jeez, you 40. How much? I give for you body price for your brother. Give me discounted price. All of this for your brother. 2200. Yeah. अब ये जी ऊपर वाले फ्लोर पे भी काफ़ी कपड़े शपड़े लगे हुए हैं, बैग शैग हर चीज़ लगी हुई है यहाँ पे भी बेहतरीन किस्म की। तो यहाँ भी मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे अपने लिए भी जूते शूते मिले हैं और क्या कहते हैं ये देखें बड़े प्यारे प्यारे जूते लगे हुए हैं। उस साइड पे इतनी दुकान है ना, छोटों की इतनी दुकान है। मैं अब आगे जाए जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ यार आगे अभी क्या सीन है, समझ नहीं आ रहा। मतलब यहाँ शॉपिंग बंदा आए एक दिन पूरा लगाए फिर जाके उसे कोई समझ आएगी कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। ये बेल्ट्स हैं ठीक है, बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत बेल्ट्स हैं, खैर सिंपल हैं, लोगों के साथ हैं। ये सारी बेल्ट्स हैं जी, अच्छी अच्छी। ओ जूते इधर भी मिल गए यार, ये वाले जूते, ये मैं से फिर पता करता हूँ। ब्रदर दिस शूज 41 साइज यू हैव अवेलेबल, हाउ मच प्राइस? 4,500। नो ब्रदर दैट्स टू मच, ये देखें जिसका दो दिल जो दिल चाह रहा होता है ना प्राइस मांग लेता है। अच्छा कैमरा देखिए उसने कर दिया क्या, ये चेक करें यार बेल्ट कितनी खूबसूरत है, जबरदस्त बेल्ट है, उसका पता करता हूँ। हाउ मच फॉर दिस बेल्ट? दिस बेल्ट और दिस वाज 790 बा। इफ यू गिव मी डिस्काउंट आई विल बाय। या आई गेट हाउ मच डिस्काउंट? वी बाय हाउ मेनी पीस? ओनली वन और टू और थ्री? आई जस्ट वांट वन पीस बिकॉज़ आई एम ओनली वन। ओके आई गिव फॉर यू 600 बा। नो नॉट 600 बा, आई वांट इन दिस गो। Okay, you don't have a gold logo in this one? Gold logo, this one. And that one looks better. You can have it. ये जी 500 का नोट है और can you give me? हाँ, can you show the belt? ये belt ली है मैंने 500 की, बड़ी प्यारी और खूबसूरत belt है यार। Thank you so much. ये इसकी शॉप है और एक चीज़ तो शुक्र है मैंने ले ली है, अब जाते हैं बाकी चीज़ें देखते हैं। ये जी वो कपड़े वाली मार्केट जो मैं आपको बता रहा था, आई एम लुकिंग फॉर दैट शूज द वन यू शोड मी, स्टिल कैन फाइंड देम। ये जी वो मार्केट, काफ़ी बड़ी मार्केट है, इतना कुछ लगा हुआ है, अब टाइम नहीं है ये सारी चीज़ें मैं देख सकूं और दिखा सकूं, बहुत चीज़ें हैं इधर। ये तो पाकिस्तानी कपड़े टाइप लग रहे हैं, भी आगे आई थी शर्टें शूटें आई थी मैंने देखी हैं, फिर मैं भूल गया हूँ कहाँ है, ख्याल से इसी लाइन में थी आगे। ये बैग्स वगैरह लगे हैं, ये चेक करें, ये बड़ी खूबसूरत शर्ट्स है। ग्लो इन द डार्क करता है। हां ग्लो इन द डार्क, ग्लो इन द डार्क, डार्क अच्छा कह रही है, ग्लो ग्लो करती है डार्क उसमें। या डार्क ओके, हाउ मच? 350 एंड दिस वन दे ग्लो मल्टी कलर, ये मल्टी कलर ग्लो करता है, ये वैसे नॉर्मल ग्लो करता है। अच्छा आपको डिस्काउंट दे देना फिर, आपको मैं अच्छा ये शर्ट मैंने ये अभी दिखा देती हूँ आपको, ये शर्ट मैंने ख़रीदी है ठीक है, और शेर बना हुआ ऊपर जो इस तरह ग्लो करेगी ठीक है, हाँ मल्टी कलर में बिल्कुल, मगर मुझे शेर वाली पसंद आई है तो मैंने वो ख़रीदी है। और ये हैं, आपका नाम क्या है? मनजीत हैं, मनजीत जी हैं इंडिया जलंधर से, पंजाब से हैं ये, ठीक है थैंक यू जी। सेकेंड फ्लोर पर आ गया हूँ, अब इधर चेक करता हूँ मुझे यहाँ क्या सिचुएशन है, उसके बाद फाइनल करता हूँ। दो शर्ट्स हैं, एक किसी के लिए लिया है, एक अपने लिए लिया है, एक बेल्ट लिया है, तो दो चीज़ें और मेरी रह गई हैं, उसके बाद जो शॉपिंग है मैंने अपने लिए देखना है करनी है, टाइम भी शॉर्ट है, तो चेक करते हैं आगे क्या सीन पार्ट है। अब सेकंड फ्लोर इस तरह से है, कुछ रेस्टोरेंट वगैरह है, थर्ड पे मुझे ज़्यादा कपड़े
और वो नज़र आए हैं जूते वगैरह, इधर भी हैं मगर ये बॉयज़ के जूते हैं, चेक करते हैं। हाँ ये पड़े हुए ब्रदर, हाउ मच फॉर दिस शूज़? नो दिस इज़ टू एक्सपेंसिव ब्रो, ये बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। ये लोग कैमरा देखते हैं ना, मुझे लगता है इनको लगता है ठीक है, पता नहीं क्या सीन है भाई, ये तो बिलियनेयर बंदा है ठीक है। और ये भी है अंदर शॉप है कपड़ों की, तो ये फिर बहुत ज़्यादा रेट बताते हैं। मैं कैमरा बंद करके चेक करता हूँ भाई। ये बैग्स भी लगे हुए अंदर, काफ़ी बड़ी मार्केट है ये। फाइनली जी जूते मिल गए, ले लिए हैं। इससे अच्छी क्वालिटी मुझे नहीं मिल रही थी, प्राइसेस तकरीबन यही हैं, वो मैं सारी एक वीडियो में बताऊंगा। आई डू व्लॉगिंग ओके। तो ये जूते हैं जी, ये मैंने ख़रीद लिए हैं। तो इन सब की चीज़ों की प्राइसेस जो है ना, वो मैं एक वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह आप सबको। यहाँ पे बेल्ट भी लगी है जो मैंने ऊपर से ख़रीदी है, वो भी इधर मैं पूछता हूँ कि कितने की है। अच्छी अच्छी बेल्ट्स लगी हुई हैं यहाँ पे, बैग्स भी हैं और जूते भी हैं, बड़ा सीन है यहाँ पे। यहाँ पे परफ्यूम लेने आया हूँ ठीक है, और परफ्यूम देख रहा हूँ ये इनमें से कोई अच्छा परफ्यूम मुझे मिल जाए, लेडीज़ परफ्यूम। ये मैं अपनी अम्मी के लिए ले रहा हूँ बेसिकली, और लोग पता नहीं क्या समझ रहे होंगे किसके लिए ले रहा हूँ। तो देखता हूँ इनमें से कोई अच्छा परफ्यूम मिल जाए मुझे, प्लीज़ शो मी। ये बाहर भी है मार्केट है, और ये आगे तो फूड वाली हैं सारी ठीक है। इस साइड पे कपड़े शपड़े लगे हुए हैं, शर्ट्स वगैरह लगी हुई हैं ठीक है, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत। ओए होए होए मज़ा आ जाता है यार, इतने कई प्यारे कपड़े हैं ना, देख के ही मज़ा आ जाता है यार, सारे ब्रांडेड। ये भी हैं ब्रांड बेल्ट्स वगैरह, बैग्स, शर्ट्स ठीक है। अच्छा उसके अलावा इधर भी हैं यार, शॉपिंग बंदा थाईलैंड से कर रहा है। ये देखिए आप ज़रा, मगर लोग जो है ना ऐसे लगा होता है सुबह लड़के आए हुए घर से, सारे तप्पे होते हैं। कसम से यार मज़ा आ गया है, कपड़े वगैरह एक शॉप में मैंने देखा पूरा पूरा सेट पड़ा हुआ है, वो दिखाता हूँ आप लोगों को, मगर वो पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहा है। ये शर्ट चेक करें कितनी खूबसूरत है, 400 की है, एक 400 बात की। अब आप अपनी कंट्री के हिसाब से ना उसका हिसाब लगा लेंगे कितने बात की बनती है। ये भी हैं इस भाई की हैं शर्ट्स, नेपाल से हैं। आई डू व्लॉगिंग, ये अब ये पूरा सेट है चेक करें गुची का। ओए 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 मज़ा आ जाता है यार इन्हें देख के ही, मगर ये थोड़े पैसे ज़्यादा बता रहा है, मैंने इसे बोला है थोड़े यार अच्छे पैसे बना मुनासिब से। अब मेरे दोस्त आ जाए ना उनको मैं लाता हूँ, माई फ्रेंड्स आर कमिंग देन आई विल विजिट योर शॉप, बट यू हैव टू गिव मी डिस्काउंट, वी आर 6 पीपल ब्रो। ये चेक करें भाई, ओए 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 ये देखिए लड़कियों के बैग शैक्स, बहुत फट जगह है यार, शॉपिंग के लिए अच्छा लगा है मॉल मुझे, मगर इधर ढूंढनी पड़ती है क्वालिटीज आपको। ये सामने जूते लगे हैं, जूतों की प्राइस है 1500 एवरेज प्राइस है, और ये भी बैग्स वगैरह हैं। अब मैं दोबारा अंदर जा रहा हूँ, इस साइड पे मेरे ख्याल से सारी फूड वाली शॉप है। चल खुल जा, ओ खुल जा भाई, खुल जा सिमसिम, तो खुल ही नहीं रहा। दिस वन बापे ने कहा उधर से जा, ये खुल गया, खुल खुल खुल, शाबाश। ये भी कि खाने पीने की चीज़ें लगी हैं ठीक है, अच्छा ड्राई फ्रूट्स हैं सारे। ये थी परफ्यूम वाली एक जगह, मगर ये बड़ी कोई चवल यहाँ पे वो बैठे हुए थे सेल्समैन, ये क्रोसन वगैरह भी लगे हुए हैं, ये हम शायद खा सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है ये हलाल, इसमें वो हराम वाला चक्कर नहीं होगा। बहुत बड़ा मॉल है यार, बहुत बड़ा मॉल है, ये चेक करें कितने फ्लोर हैं इसके, 10 फ्लोर हैं शायद, वो बंदे ने नहीं सॉरी 7 फ्लोर इसने बताए थे मुझे। अब ये दिस इज सेकंड फ्लोर राइट? यस थैंक यू। वेयर कैन आई फाइंड परफ्यूम, लेडीज परफ्यूम? यू डोंट नो, इनको कुछ भी नहीं आता ना, मतलब इतना घुरा तुम्हारे मुल्क में आता, थोड़ी सी अंग्रेजी सीख लो यार, हमें तो टूटी फूटी आती है ना, वो भी नहीं आती।
नहीं ये नहीं है परफ्यूम्स, ये कुछ और ही मवाद मिल रहे हैं यहाँ पे, ये परफ्यूम्स आ गए। अब इधर मैं चेक करता हूँ, ये मैं फोर्थ फ्लोर पे आया हूँ, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सारे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े हुए हैं, बेहतरीन किस्म के आईफोन भी हैं सामने। अब जाना मैंने थर्ड फ्लोर पे था, मैं गलती से इधर आ गया, मुझे नहीं पता अब थर्ड फ्लोर, हाँ ये रास्ता मिल गया, जाते हैं थर्ड फ्लोर, क्योंकि हमारे मतलब की सारी चीज़ें थर्ड फ्लोर पर ही पड़ी हुई हैं। टाइम हो गया शॉर्ट, जल्दी से जाके एक्सचेंज करा के अपना परफ्यूम चुकने माई से। ये बखूर बखूर भी लगे हुए, ये लेडीज कपड़े जो यहाँ पे पहनती हैं, ये भी बेल्ट्स लगी हुई हैं। ये गोल्ड भी है भाई यहाँ पे, बड़ा बड़ा गोल्ड लगा हुआ है, ओए 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 ओए, चेक करें। अच्छा माई कह रही है वीडियो नहीं बनानी मेरी, ये भी गोल्ड लगा हुआ है, ये दूसरी आर्टिफिशियल टाइप ज्वेलरी लग रही है। ओ यार एक्सचेंज किधर रह गया, अच्छा ये भी है एक्सचेंज, फिर देख लेता हूँ। मेरी टीम आ गई है, साद रजा अरसलान और राहिल साहब, वो अंदर जूते चेक कर रहे हैं, हैदर अली वो आगे गया हुआ है, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से जी टीम मिली है मुझे, इधर इंटरनेट वगैरह का थोड़ा इशू आ रहा है, मैं मॉल वाला यूज़ कर रहा था। अब ये लोग भी आए हैं, ये भी अपनी शॉपिंग वगैरह देखते हैं क्या करना है शॉपिंग का। मैंने तो ये सारी चीज़ें खरीदी हैं, इस बैग में फिट भी करनी है ये अभी मुझे। अच्छा जी इधर से हमने ये वही फूलों वाली शर्टें हैं, बड़ी मशहूर हैं यहाँ पर और बहुत अच्छी हैं और रीज़नेबल भी हैं। इस बाजी की दुकान है, कैन यू शो दिस शर्ट, ये भी साथ के लिए ली है, ठीक है साथ ने शर्ट खरीदी है। अच्छा तो मैंने जो लिया वो ये रिवाइट, क्योंकि मेरे पास ब्लैक टाइप है ऑलरेडी, तो दो बहुत हैं, और भी चीज़ें देख रहे हैं तो मज़ा आ रहा है, और काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े हैं। चौधरी ने एक ट्राउज़र लिया अपने लिए, कितने ट्राउज़र, ट्राउज़र उसने बैग में भी रख दिया अपने, ठीक है। इसके साइज़ का ट्राउज़र नहीं मिल रहा था असल में, तीसरे फ्लोर पे आए हैं तो जाके इसके साइज़ का ट्राउज़र मिला हुआ, देखे हंस रहा है बंदे का वेट ज़्यादा होना फिर ऐसे ही होता है, ये मसला होता है, कट खाना चाहिए। है ना, क्या क्या नाम है आपका, माया, माया बाजी हैं बर्मा से, ठीक है। और इनसे जी काफ़ी शॉपिंग की है सारों ने, सब ने यहाँ से, सात लोगों ने, सबसे हैदर ने राहिल ने सब ने शॉपिंग की है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ले लूँ, यार ये ब्लू कलर की शर्ट बड़ी प्यारी है, एक ये ले लेता हूँ और दो इस तरह की कोई शर्ट्स ले लेता हूँ। तो यहाँ पर बड़ा मतलब शॉपिंग के लिए ना आपको सस्ती वो मिल जाती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बेहतरीन थी। बस अब हमारा एयरपोर्ट वाला टाइम भी करीब आ गया, ये जी बैग शैग सारो सबके, बस निकलने वाली करते हैं छोटे छोटे लेके। शॉपिंग शॉपिंग भाई सबकी कंप्लीट हो गई, साद ने भी ले ली, पीछे सारे बॉयज आ रहे हैं, ठीक है मैंने भी खरीद ली है। और वो क्या कहते हैं एक, अब वो फिक्स उसमें नहीं आ रहे थे बैग में, तो मैंने थैले में डाल लिए कुछ, ये जो हाथ में पकड़ा हुआ है। बाकी अब रश बड़ा है साथ में बैग लेके फिरना, ये लोग होटल से ही मेरा बैग भी लिया थे, बड़ा अजाब होता है मॉल में लेके फिरना, मगर हमारा चेकआउट था आज ही ना होटल से। तो ये देखें कपड़े शपड़े, कैमरा सॉरी हिल रहा है थोड़ा सा, बड़े खूबसूरत कपड़े वगैरह लगे हैं। हाँ अच्छा वो कह रहा है एहतशाम भी आया हुआ, वो कह रहा है शर्ट्स जो हैं ये ठीक हैं, कोई ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं है कह रहा है, मगर हमें तो काफ़ी अच्छी लगी हैं। दूसरा वो कह रहा है इनको वॉशिंग मशीन में नहीं धोना। हाँ साथ ये वाली बेल्ट मैं आपको कह रहा था, नो आई बॉट फॉर 400 फ्रॉम देयर ब्रदर, सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, ये आई हैव ये देखें तब जाते हैं, ये वाली बेल्ट है यार तब जाते हैं ना, ये मसला है इनका। नहीं नहीं नया नहीं पुराना हूँ बस, अभी दोबारा स्टार्ट की, तो उसका यही आता था ये करके, ये तरीका है ये इधर से यूं पकड़ा। हाँ जी एहतशाम भाई आए हुए हैं जी, इन्होंने बड़ी हेल्प की है। हाँ जी ये यहाँ थाईलैंड ही है, पूरा थाईलैंड बने, इन्होंने जो शर्ट पहनी है ये नहीं हमें बताई इन्होंने कहाँ से, राहिल को डिस्काउंट दिला दिया हमारी बारी में नहीं आए। हाँ पहले कितना डिस्काउंट दिया, कितना 20 बाट का एक शर्ट में,
20 बार जो है ना, 20 बार ये बनते हैं पाकिस्तानी माशाल्लाह। नहीं एक शर्ट पे यार तेरे मजे है रहिले कसम से यार। हाँ ये कहते हैं मॉल खरीदने लगे। हाँ मगर ये जो एहतशाम भाई, ये जरा शर्ट आपकी मैं दिखा रहा हूँ इधर से, ये शर्ट ये जो है ना ये बड़ी खूबसूरत शर्ट है। अब ये हमें नहीं मिली प्लेन में, ये मैं आपको भिजवा दूंगा। नहीं थैंक यू सो मच यार, आप आए चक्कर लगाएं, हम लोग दोबारा आएंगे ना फिर आपके साथ जाएंगे। ये विग्स भी पड़े हुए हैदर भाई, विग्स भी हैं यहाँ यार। हैदर की बाल नहीं है ना, वो तपेगा मेरे पे। ये देखें, हाय हेलो हाउ आर यू। नीचे नीचे चले ना, बस चलते हैं नीचे, अब खाने शाने का कोई प्लान करते हैं और सीधा एयरपोर्ट जाना है भाई हम सब ने। अभी तो बड़ा तैयार हुआ हुआ है। वाह नाइस शूज, खुश हो गया। तो ये है जी मॉल, और ये अपने बॉयज आ रहे हैं, बॉयज वो बहन सो है। इससे भी नीचे जाना ना। हाँ क्या हुआ, ये तो वो हो गया, टूट गई है यार, गिरने वाला था मैं। नीचे भी कपड़े छपड़े काफी लगे हैं। मैं क्या ये जी वो लाइन जिसमें मैं पहले आया हूँ, साथ लोगों को सबको दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे भी सेम रेट है अंदर जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है इतना, थोड़ा सा मतलब अंदर भी इतना डिस्काउंट मिल जाता है, एसी में भी मिल जाता है, एसी के बगैर बेचारे बाहर बैठे हैं, मगर वही प्राइस है, कोई फर्क नहीं है इतना। मगर ठीक है, बस जिसका जो हिसाब किताब है। कुछ चीज़ों में देखा है कि यहाँ पे है थोड़ा मेजर डिस्काउंट है कुछ चीज़ों में यहाँ पे। ये साइड है बाहर, यहाँ पे ना दुनिया जमा हो गई है, मेट्रो नहीं आ रही, पता नहीं क्या चक्कर है, आज यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट चल रहा है। ये देखिए वहाँ तक लोग जमा खड़े हैं, मेट्रो अभी तक नहीं आई है। एक तो हमने मेट्रो चेंज कर ली है, उससे हमने दूसरे इस स्टेशन पे आना था, इससे हमने एक और स्टेशन पे जाके वहाँ से फिर चेंज करनी है मेट्रो, फिर एयरपोर्ट हम पहुँचेंगे। काफ़ी टाइम हो गया, अभी देखिए लोग काफ़ी खड़े हुए हैं, मेट्रो नहीं आई अभी तक, पता नहीं क्या चक्कर है। कह रहे हैं आज कोई यहाँ पे प्रोटेस्ट है, अब एग्जैक्ट नहीं पता किस चीज़ की प्रोटेस्ट है, शायद आ गई, आ गई, शुक्र है यार आ गई, वो आई मेट्रो।